हेलो माय डियर जेकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम है। आज हम क्लास टेंथ वालों को देखिए, क्लास टेंथ वालों को ठीक है क्या बताने जा रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रिक बता रहे हैं जो आपके 20 नंबर देखिए 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको कैसे हल करना है। देखिए सबसे पहले अलंकार जो आता है, दो नंबर का कैसे आप दो नंबर पाएंगे वो ट्रिक आपको बता। देखिए ट्रिक को समझिए, वो ट्रिक क्या है, ट्रिक जानेंगे तो जल्दी आपको आ जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है, अगर आपको उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार कैसे पहचानना, चार ऑप्शन अगर दिया है तो चारों ऑप्शन में उपमा अलंकार कैसे पहचानना, जब अलंकार में सा से सी देखिए तीन वर्ड आ जाए, सा से सी ठीक है, ये तीनों वर्ड अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए वो अलग कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। देखिए ट्रिक नंबर दो देखते हैं। देखिए ट्रिक नंबर दो में अगर उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानना है, उत्प्रेक्षा तो इस अलंकार में क्या आता, मनु मानो। देखिए क्या कहा, मनु मानो ठीक वर्ड, देखिए मनु मानो, देखिए फिर उसके बाद देखिए इसमें छह छह वर्ड को आपको पकड़ना है, मनु मानो जनु जानो, जनु जानो ओके माय डियर। देखिए तीसरा क्या, मनहु और जनहु, देखिए ये छह वर्ड में से कहीं मतलब ये छह वर्ड मिलेगा तो आप इसको पकड़ उसमें पहचान लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्या है, आपका कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए दो ट्रिक को आप पकड़ेंगे, तीसरा आपका जो रूपक अलंकार है कौन सा, देखिए उपमा रूपक ठीक है, रूपक अलंकार है वो अपने आप देखिए निकल जाएगा, वो अपने आप निकल जाएगा। देखिए अलंकार को इस तरह अगर आप देखेंगे तो आपका दो नंबर एकदम आसानी से आपको पा जाएंगे, अदरवाइज नहीं दो नंबर आपका चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको आप सिखाते हैं कि कवियों को कैसे पकड़ना है, उनकी ट्रिक कैसे बताना है, क्योंकि 20 नंबर आपका बहुत मायने रखता है। देखिए 20 नंबर आपका जाने न पाए हिंदी में आप लगे रहिए मेरे साथ। देखिए रूपक अलंकार को पहचानना है तो उसमें ये जान लीजिए इसमें एक योजक चिन्ह होता है, इस योजक चिन्ह को पकड़ेंगे, देखिए बता दे रहे योजक चिन्ह को पकड़ रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये इसका है ठीक है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।